नमस्कार दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शानदार जीत के बाद बदल गई है IPL 2023 का पूरा पॉइंट टेबल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हुआ पॉइंट टेबल में बड़ी फायदा, तो क्या है पूरा पॉइंट टेबल बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों IPL 2023 में आपके फेवरेट टीम कौन सा है, आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों IPL 2023 का महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया। वही किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वही अपनी पुरानी अंदाज में ओपनिंग करने आए विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी। जहां कप्तान विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी अपने खतरनाक अंदाज में पारी की शुरुआत की, वहीं RCB के लिए विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ने 137 रन की शानदार साझेदारी की और विराट कोहली ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज में शानदार 59 रन की पारी खेली, जहां वो अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्के लगाए। जबकि उसका साथ दे रहे फाफ डुप्लेसी भी अपने खतरनाक अंदाज में 56 गेंदों में शानदार 84 रन की पारी खेली, जहां फाफ डुप्लेसी ने अपने बैटिंग के दौरान 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। हालांकि इस जोड़ी के आउट होने के बाद अंत में कोई तेजी से रन नहीं बना पाए। वहीं 175 रनों का विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की ओपनिंग जोड़ी प्रभव सिवरन और अथर्व तैयदे, और 4 रनों के निजी स्कोर पर किंग्स इलेवन पंजाब का पहला विकेट गिरा। अथर्व तैयदे महज 4 रन बनाकर आउट हो गए और मोहम्मद सिराज ने उन्हें LBW बोल किया और प्रभव सिमरन का साथ देने आए मैदान पर खतरनाक बल्लेबाज मैथ्यू शॉट। लेकिन 20 रनों के निजी स्कोर पर किंग्स इलेवन पंजाब का दूसरा विकेट भी गिर गया, जबकि मैथ्यू शॉट 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। वही हसरंगा ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम की बुरी हालत में प्रभव सिमरन का साथ देने आए मैदान पर लियाम लिविंगस्टोन। लेकिन 27 रनों के निजी स्कोर पर पंजाब का तीसरा विकेट गिर गया। इस सीजन का पहला मैच खेले लियाम लिविंगस्टोन महज 4 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों ऐसे में किंग्स इलेवन पंजाब का कोई भी बल्लेबाज RCB के गेंदबाजों के सामने टिकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में 76 रनों के स्कोर पर पंजाब की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। वही किंग्स इलेवन पंजाब का कप्तान सैम करन भी 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि जितेंद्र शर्मा ने तेजी से रन बनाकर मैचों में अपनी टीम की वापसी कराई। उन्होंने 8वें ओवर के लिए हरप्रीत बरार के साथ लंबी साझेदारी की। आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए पंजाब को चाहिए 37 रन, लेकिन 147 रनों के स्कोर पर पंजाब का 8वां विकेट गिर गया, जबकि किंग्स इलेवन पंजाब को आखिरी 2 ओवर में 25 रन की जरूरत थी। लेकिन इस टीम का एक ही विकेट बचा हुआ था और इस चीज को हासिल करने में पंजाब की टीम बुरी तरह से नाकाम होती नजर आए और इसी जीत के साथ RCB को पॉइंट टेबल में बड़ी फायदा देखने को मिली, जहां RCB नंबर 8 से सीधा उठकर नंबर 5 पर चली गई, जबकि RCB ने 6 मुकाबले में 3 जीती है और नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल की टीम है जिन्होंने 6 मुकाबले में 4 जीती है और नंबर 2 पर लखनऊ की टीम है जिन्होंने 6 मुकाबले में 4 जीती है और नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है जिन्होंने 5 मुकाबले में 3 जीती है।